क्योंकि अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइज, मैं खाना खाने जा रही हूँ और आज यहाँ से सिंपल सी बाजरे की रोटी है, बेसन की सब्जी है जिसकी रेसिपी मैंने शेयर करी है शॉर्ट वीडियो के रूप में, और ये दाल है। तो चलिए, खाना खाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ब्लॉग में बने रहिए। तब तक क्या कर रही मम्मा? ग्रीन टी पीने जा रही हूँ बेटा। ग्रीन टी पी के किसका भला हुआ है? पता नहीं किसका भला हुआ है, लेकिन मेरा तो भला होगा ग्रीन टी पी के। ग्रीन टी बहुत हेल्दी होता है, इसको पीने से थोड़ा क्या बोलते हैं, पेट की जो समस्या होती है ना दूर हो जाती है। दिखाऊंगी आराम से। अभी मुझे ना लहंगा भी उतारना है, देखना है लहंगा कैसा है कैसा नहीं, उसको साइज करना है, पहनना है। हेल्प करूं? हेल्प कर दूंगी तो अच्छा है। अच्छा। पढ़ रहा है भाई? पढ़ रहा है। हाँ, मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, देखो बहुत इतना सीधा तो नहीं है, बहुत मेहनत करता है वो पढ़ाई करने में। हंस क्यों रही हो? सही बात है, बहुत पढ़ाई। जब जोक करोगे तो हंसी आती है मम्मा। जोक क्या कर रही हूँ? तो ये कौन है? मेरा छोटा सा बच्चा है। ये छोटा है? वो भी बच्चा है? तो क्या, बच्चा तो है ही। उसके शरारते शरारते तो सब करते हैं, बच्चे शरारत नहीं करेगा तो कौन करेगा? आप करोगी? मैं दिखाऊंगी आप लोगों को लहंगा। अभी आ रहा है, बोल रहे उतारने के लिए। तुम्हें याद है किसमें रखी हूँ लहंगा? यस। हाँ तो वही उतार लो लहंगा, दिखा देख लेती हूँ, डैडी दिखा देती हूँ। और मैं भी अपना कुछ दिखाना चाहती हूँ। मेरे पतिदेव बोल रहे हैं ना कि साड़ी मैं खरीद देता हूँ एक बढ़िया सा, वो पहन लो। लेकिन मैं सोच रही हूँ अभी तक वो लहंगा किसी ने देखा नहीं है, तो मैं वही पहन लेती हूँ। मुझे अच्छा भी लग रहा है, कलर भी उसका एकदम यूनिक कलर है। उसको बेचारे को कहते चूड़ी खरीदने में हालत टाइट हो गई। हाँ तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, बताना कि ये लहंगा पहन सकते हैं शादी में कि नहीं। वैसे ही पड़ा है लहंगा मेरा। तो चलिए, ब्लॉग में बने रहिए। ग्रीन टी पीने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, और कल के ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना लहंगा। अभी तो आज निकाला जाएगा, कब निकालेंगे कब नहीं मुझे नहीं पता, जब भी निकलेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, ब्लॉग में बने रहिए। सो गाइस, इस समय शाम के 6 बज रहे हैं। मैं आर्या आरो पतिदेव का वेट कर रहे थे, फिर अभी कॉल किए कि लेट से आऊँगा, तो इन लोगों को कुछ स्टेशनरी शॉप से कुछ दिलाना था। क्या दिलाना था भाई? पार्टी देना है आज। आरो पार्टी देगा, पैसे बहुत है आरो के पास। नाइन्टी रुपीज़ है भाई आज। मुझे पार्टी देगा। अब देखिए पार्टी में क्या क्या देता है। चलो सबसे पहले चलते हैं स्टेशनरी शॉप, जहाँ पे जाते हैं वहीं पे जाएंगे। उसके बाद फिर क्या खिलाओगे? मैं तो ज़्यादा कुछ खाती हूँ नहीं, पानी पूरी खाऊंगी बस। यहाँ से कुछ ले बिस्किट। मैं कहाँ खाती हूँ भाई, कल के लिए अपने लिए। अच्छा, नहीं पतंग नहीं लेना है अभी, नहीं लेना, बाद में ले लेना। दुकान पे आता है कुछ ना कुछ चालू। अभी पतंग के लिए बोल रहा था, मना कर दूं। अभी कुछ ना कुछ खाली हाथ नहीं जाता, इसके लिए मैं इसको दुकान पे लाना ही नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी है। पतिदेव आ गए होते तो फिर मैं इसको नहीं लेके आती। क्या हुआ? आरो को विदाई के पैसे मिले हैं, खूब खर्च कर रहा है ना आरो। आरो इधर देखो, बताओ। हाँ। कितने खर्च किए और कितने मिले हैं विदाई के पैसे? 200 मिले, उसमें 10 रुपीज़ खर्च हो गए ना। हाँ, 40 खर्च कर चुके। क्या लिए?
सारी चॉकलेट दी थी अपने के बाद दिलाया था मैं अपना एक के बाद मुझे चॉकलेट दिया। अच्छा तो ऐसा ही है इसका। मैं लूंगी, मुझे नहीं पता अंकल। 25 रुपीस काट लो उसमें से, सिर्फ 25 रुपीस अंकल लो, अंकल प्लीज अंकल, सिर्फ 25 रुपीस दिखा दो भाई सबको। आर्या ये दिलाई मेरे लिए, थैंक यू आर्या। जल्दी करो भाई, पार्टी मिलने वाली है। मैं ये तो नहीं लूंगा, मुझको आज खेत नहीं लेना। नहीं नहीं कुछ भी नहीं लेना है, गंदी बात नहीं। इसके लिए तुम्हें नहीं लेकर आती दुकान पे। चलो चलो फिर दूंगी मैं अभी। अरे अभी 14 तारीख को है संक्रांति, अभी से पतंग उड़ा के क्या करोगे? अभी हम लोग जा रहे हैं पार्टी करने। मैं नहीं दूंगा। आरो नहीं देगा पार्टी भाई, मैं दूंगी पार्टी। मैं मेरी बेटी अच्छा, मैं दे देता। नहीं चाहिए मुझे, मैं दे दूंगा। ऐसा नहीं, लॉग में बने रहिए। नहीं मुझे वही रख दो, आरो देख। मुझे नहीं खाना, तू खा ले, चल तू खा। कब से बंद था? मम्मी कितनी पूरी हुई? 3 बस। गिर जाएगा। अच्छी नहीं है तो जबरदस्ती मत खाओ। नहीं जबरदस्ती नहीं है ना मम्मा, लो पकड़ो खत्म है। अभी सिर्फ 1 ही मिनट का बना है। हो गया। सो गाइस, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं दुनिया में जो कि अपने माँ बाप को देखो कैसे छोड़ दिए सड़क पे, कितने परेशानी से वो जा रहे हैं कि उनका पैर भी नहीं सही है। तो देख के ये सब ना बहुत तकलीफ होती है, कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है कि। सो गाइस, मैं देख रही थी ना उनको, देख के बड़ा तकलीफ हो रहा था कि आज के ज़माने में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो कि अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। तो बहुत तकलीफ़ होती है कभी कभी देख के ये सब। मेरा मन करता है ना कि इन लोगों के लिए कुछ करूं, लेकिन वो भी नहीं कर सकती मैं भी, क्योंकि उतना पैसा होना चाहिए इन लोगों के लिए कुछ करना करने के लिए। मेरे पास तो आप लोगों को पता है कि अपना खा लूं, बच्चों का भविष्य बना लूँ, उतना ही बहुत है मेरे लिए। मेरे एक हस्बैंड कमाने वाले, उसमें हम लोग क्या क्या करें, बच्चों का शौक पूरा करें, अपना करें। मेरे हस्बैंड तो सिर्फ हम लोगों के लिए ही करते हैं, वो अपने लिए अगर कपड़े वगैरह भी ख़रीदना होता है ना तो सोचते हैं चलो जाने दो, ये नहीं करूँगा तो तुम लोगों के लिए हो जाएगा। तो हम लोगों के एकदम, हम लोगों के लिए मतलब रानी की तरह रखते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं करते। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कभी कभी बहुत तकलीफ़ होती है। उनका स्वभाव ही वैसा है, वो सिर्फ हम लोगों के लिए ही जीते हैं। उनकी लाइफ में उनका खुद का कुछ भी नहीं है, अगर कुछ करना भी रहता है तो सिर्फ प्रिया ये कर लो, प्रिया वो कर लो, बच्चों के लिए कर दो, बच्चों के लिए वो कर दो, यही सब उनका चलता रहता है। तो इसकी वजह से तो नहीं कर सकते, नहीं तो अगर मेरे पास पैसे वगैरह होते ना तो मैं कुछ इस तरह का खोलती
दुकान वगैरह जो रेस्टोरेंट वगैरह या होटल वगैरह कुछ ऐसा खोलती ना कि पेट भर खाना 10 रुपए में या 20 रुपए में लोग खा सके और सिर्फ गरीबों के लिए ये रहता, और बाकी जो पैसे वाले हैं उनको तो पूरा पे करना पड़ता, लेकिन गरीबों के लिए फंडा ज़रूर रखती। लेकिन अब अपने पास है नहीं तो बस सोच ही सकते हैं, उसके सिवा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जब हाथ ही खाली है तो कोई मतलब नहीं है सोच के या बोल के या करके। यही सब है, उनको देख के बड़ी तकलीफ़ हुई मुझे। तो चलिए, ज़िंदगी में अगर कभी कुछ हुआ तो किसी ना किसी के काम में तो ज़रूर ही आएंगे। तो यही है आज का ब्लॉग, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मेरा भी घर आ गया।